Hello students, welcome to DSS online class. I am Sarita Tiwari, your maths teacher. Today we are going to start a new lesson, lesson number 14, and name of the lesson is How Big, How Heavy. जब हम big शब्द सुनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो किसी वो size से related है, तो और heavy word सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि वो weight से related है. तो इस lesson में हम पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में, उसके वेट के बारे में और उसके साइज के बारे में. लेकिन इस लेसन में हम एक जो मेन चीज पढ़ने वाले हैं वो है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? तो हम वॉल्यूम को इजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं. वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी जगह घेरे हुए है. मान लीजिए कोई भी चीज है तो वो उसको हम कहीं रखेंगे तो वो जगह घेरेगी, और उस जो जगह वो घेरती है चीज, जिस जगह पे वो वस्तु रखी जाती है, वो थिंग रखी जाती है, और वो जगह वो घेरती है, वो जगह उस चीज का, उस थिंग का वॉल्यूम होता है. अक्सर वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, लिक्विड से रिलेट करते हैं. हम हमेशा जब भी वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि वो चीज लिक्विड से रिलेटेड होती है. और वॉल्यूम, मान लीजिए हम एक ग्लास पानी लेते हैं. इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ. एक ग्लास में हमने पानी लिया, तो पानी में हम कोई चीज डालते हैं. मान लीजिए हमने कॉइन डाला, मार्बल डाला या स्टोन डाला, कुछ भी डाल दिया उस ग्लास के पानी में. तो जब हम उस चीज को, मान लीजिए स्टोन ही डाल रहे हैं, स्टोन को हमने डाला, तो स्टोन उस ग्लास में जाएगा और अपनी जगह बनाएगा. तो स्टोन को अपनी जगह बनाने के लिए वो पानी को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, और अपनी जगह बना के जब पानी को डिस्प्लेस करेगा तो पानी भी वहां से जब हटेगा तो वो भी अपनी जगह बनाएगा ग्लास के अंदर, तो वो पानी ऊपर आ जाएगा. पानी का लेवल आप हमेशा देखेंगे, जब हम कोई चीज ग्लास में डालते हैं, लिक्विड भरे हुए ग्लास में, तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है. कैसे आ जाता है? हम पानी तो ऊपर एक्स्ट्रा डालते नहीं है कि पानी बढ़ गया, सिर्फ इसीलिए कि वो जो भी चीज हमने डाली है, स्टोन, मार्बल, कॉइन, कुछ भी जो डाला है, उसने जाके नीचे अपनी जगह बना ली है, पानी को डिस्प्लेस कर दिया है. पानी जो ऊपर आ गया है, उसका लेवल बढ़ गया है. तो वो पानी, जो बढ़ा हुआ लेवल का पानी है, वो उस मार्बल का या स्टोन जो भी आपने डाला है, उसका वॉल्यूम कहलाता है. चलिए हम एक एक्टिविटी करके ही इसको समझ लेते हैं. एक ग्लास पानी लेते हैं. ये हमने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है. देखिए ये पानी का लेवल यहां तक है. ये पानी का लेवल हम यहाँ पे ब्लैक कर दे रहे हैं. ये आप ध्यान से देखिए, ये पानी का लेवल है. अब हम इसमें एक स्टोन डालते हैं. ये हमने अब इसमें एक स्टोन डाला. देखिए पानी का लेवल ऊपर आ गया. कहाँ आ गया? ये यहां आ गया. ये पानी का लेवल यहां तक बढ़ गया. तो ये जो बढ़ा हुआ पानी, इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी तो डाला नहीं है, सिर्फ ये जो स्टोन अंदर गया है, इसने अपनी प्लेस बनाई है, और वहां के पानी को उसने डिस्प्लेस कर दिया है. वो पानी ऊपर आकर उसने यहां पर अपनी जगह बना ली है. तो ये जो बढ़ा हुआ पानी है, ये इस स्टोन का वॉल्यूम है, ठीक है. अब वॉल्यूम को हम कुछ फैक्ट से समझने की कोशिश करते हैं. ये वॉल्यूम है. फर्स्ट पॉइंट हमारा है, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. मैंने आपको पहले भी कहा कि वॉल्यूम को हम अक्सर लिक्विड से रिलेट करते हैं, तो वॉल्यूम हमेशा लिक्विड से रिलेटेड होता है. कंटेनर आपने देखा ही होगा, जिसमें आपका लिक्विड चीजें रहती है, जैसे आपकी छत पे पानी की टंकियां हैं, आप पानी की बॉटल्स जो अपने घर पे मंगवाते हैं वो सब, या मिल्क मंगवाते हैं कंटेनर में मंगवाते हैं. तो जो भी है, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. वॉल्यूम किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी को हम कहते हैं. अब जैसे छत पे आपकी पानी की टंकी है, तो जितना उसका वॉल्यूम, जितनी उसकी कैपेसिटी है टंकी की, टैंक की, वो उस टैंक का वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है. वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. नेक्स्ट है, डिफरेंट कंटेनर्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स. डिफरेंट कंटेनर्स डिफरेंट वॉल्यूम होते ही है उनकी.
है भी, क्योंकि आप जो छत की आपकी टंकी है, जो टैंक है छत का, उसकी जो कैपेसिटी है उसका वॉल्यूम उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, और आप मिल्क लेकर आते हैं 1 लीटर या 2 लीटर जो कंटेनर है तो उसकी कैपेसिटी दूसरी होती है, तो उसका वॉल्यूम भी दूसरा होता है। तो टैंक की कैपेसिटी का दूसरा है तो उसका वॉल्यूम दूसरा है, और आपकी जो मिल्क का कंटेनर है उसकी कैपेसिटी दूसरी है तो उसका वॉल्यूम दूसरा है। तो डिफरेंट कंटेनर्स की डिफरेंट वॉल्यूम होती है, ठीक है। थर्ड है, कंटेनर्स विद लार्जर कैपेसिटी विल हैव मोर वॉल्यूम। जो कंटेनर्स लार्जर कैपेसिटी के होते हैं उनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है। बड़ा कंटेनर है तो उसकी कैपेसिटी बड़ी है तो उसका वॉल्यूम भी बड़ा ही होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है, कंटेनर्स विद लेसर कैपेसिटी विल हैव लेस वॉल्यूम। जो कंटेनर छोटे हैं तो उनकी कैपेसिटी भी कम है तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। नेचुरल जो आपके छत के टैंक हैं उनका वॉल्यूम, और जो आपके घर में नीचे पानी की बॉटल्स आती हैं 20 लीटर्स की, उसका वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट है ना। उसके टैंक की कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जो पानी की बॉटल आपकी 20 लीटर्स की है उसका कैपेसिटी कम है तो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो कंटेनर्स विद लार्जर कैपेसिटी विल हैव मोर वॉल्यूम्स, और कंटेनर्स विद लेसर कैपेसिटी विल हैव लेस वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज इट्स वॉल्यूम। किसी भी कंटेनर का जो कैपेसिटी होती है उसका जो मेजर होता है, जो नाप होता है, वो उस कंटेनर की क्या होती है, वॉल्यूम होती है। जैसे सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं कि जो आपकी छत के टैंक है, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर वाटर है, ठीक। तो वो जो कंटेनर है आपके छत का, जो कंटेनर है टैंक है, उसकी जो कैपेसिटी है 1000 लीटर की, वो 1000 लीटर उस टैंक का वॉल्यूम है। तो इन इजी वे में मैंने आपको ये समझाया है। आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टडी वेल एंड स्टे सेफ। थैंक यू।